नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। आज मुख्यमंत्री जनता दरबार है। इस साल का अंतिम जनता दरबार है और कई फरियादी यहां पे आए हुए हैं जो अपने समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन इनका ऑनलाइन आवेदन किसी का है किसी का नहीं है, लेकिन उन्हें जनता दरबार में मुलाकात नहीं हो पाती है। आखिर आप क्या चीज़ के लिए आए हैं, कहाँ से आई हैं आप? सर, रोहतास जिला से हम आई बानी। क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। क्या समस्या है? सर, हमारे घर तुर के कहा लोग रोड बना दे, हमारे घर कैसे कैसे बनावल रहे, हमारे तुर के सब ईटा बिछा दिल बड़ियारी दबंग। थाना गए थे आप? थाना पर कह ली गनी, घर तुरे से पहले भी गई बानी, तब थाना प्रभारी ना कुछ सुनलन, फिर टूटलो पर गई बानी, तब थाना प्रभारी नहीं सुन ले, डीएम लगे गई बानी, एसपी लगे गई बानी, अथी गनी, तब थक के तब हम एजी के आई बानी। हाँ, पूरा देखी हम अथी कला फोटो वोटो सहित रख ले बानी, हमारे सब सामान बिक दिल बन, नहस तहस कर दिल बन जा, चाउर दाल जितना हमारे रहे घर में। तो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं? हाँ सर, आवेदन कब बने? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गए तो क्या बोले वो? आवेदन ये दिले रही वो जी ना, तो थाना पके थाना प्रभारी कल जाना कि ठीक बा, हमने के सुनवाई कर ली, बाकी कुछ सुनवाई ना भले, हम दसों खेवा आवेदन जमा करनी। आपका क्या समस्या है, कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? रोहतास जिला से। क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय जी, ये बताइए आप काहे के लिए आए थे जनता दरबार में? जनता दरबार में ऐसे आया है, 4 डिसमिल जमीन हमारे बनबस्ती है, बनबस्ती बउे आ रोड वाला तुर दिया है ठेकेदार साहेब ना, आ हमरा के वो जो जमीन बचल नहीं था बनबस्ती जमीन, हम ये खोजल चाहते हैं अपन। आप मुख्यमंत्री के यहाँ गए? हाँ। गए रही। क्या बोले वो? बोले कि जा करके अपन ये अपन खोज लिए जनता दरबार में। मुख्यमंत्री बोल दिए कि हमसे नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं, कॉल कॉल तो अपन जहाँ से जो लगाई अपन खोज लीजिए, नपवा लीजिए बुला के वीडियो के। तो फिर आप यहाँ क्यों आए, जाके नपवाते? वो जा नहीं से काम कर रहते, हम तब ना आए को पर ले जा सर। हमारा आप कहाँ से आई हैं? भगवानपुर से। क्या मामला? नाती के ठोकर लगा, साल भर हो गया। क्या जी का? नाती के ठोकर लगे पूरा चौक पर भगवानपुर मकान पर, हमारे केतुर में मकान है, तो साल भर से देखू जे केस भेजली भगवानपुर थाना पर, थाना खाली केस भेजल ना, कुछ आवेदन ना मोल, आइयो नहीं आता है, आइयो नहीं है, नहीं आ गया छुट्टी में, छुट्टी में अब बोलता है जे बोलू आइयो बदल गया, अभी डायरी नहीं मिला है आइयो की है से, तो हम निवेदन भी दिए, दरखास्त भी दिए हाजीपुर एसपी के पास, एसपी भी कागज भेजे हुए थाना पर, कुछ कागज नहीं आ रहा है लेकर के आइयो के बयान, जहाँ बयान आएगा तब तो हमको चालू होता पैसा सब मिलेगा, कुछ नहीं आ रहा है सर। हम अंतर जातीय शादी है भगवानपुर। अच्छा, आप अलग मैंने अंतर जातीय शादी की थी? तो वहाँ पर हमारा शादी कब हुई थी? शादी हुआ है 2007 में। कितना उम्र था उस समय आपका? उस समय में उम्र था वही 17-18 साल। तो उस समय से हम लोग रह रहे थे, एक हमारे बगल का है, वो हमको बार बार मार काट, मतलब रंडी चिंडी कह के गाड़ी पड़ता है, और गांव में चैन से रहने नहीं दे रहा है, छोटा छोटा बच्चा। आपके पति बढ़िया से रख रहे हैं? हाँ, वो रख रहे हैं। तो फिर दूसरा आदमी है ना, वो बार बार हमको यहाँ से यहाँ तक काट दिया कपार, फिर पढ़े साल यहाँ काट दिया, बार बार वो हस्बैंड आए हुए? हाँ आए हुए ना, वो नहीं आए हैं, वो तो बार बार वो हमको घींच के घर से ले जाता है, बार बार कपड़ा फार फार के मारता है। तो आप थाना गए थे? थाना गए थे, तो उसका 354-307 ये सब हॉस्पिटल से अथी करवा के, तो वो सब घूस ले लिए 15,000 कि 50,000, और वो केस नहीं बेल दे दिए थाने से, जहाँ हाजीपुर कोर्ट रिजेक्ट कर दिए थे डिस्ट्रिक्ट जज, वो रिजेक्ट के मतलब पटना हाई कोर्ट भेज दिए थे, और यहाँ थाना वाला बेल दे दिया, थाना वाला बेल दे दिया, कहता है जे मतलब आज मतलब ये हुआ हुआ कह के डेली मारपीट करता है। इसलिए और भी लोग हैं वहाँ, उनसे बात करेंगे। चाचा जी, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हम बताओ तो नहीं। क्या समस्या है? छापरा जिला से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारा है जो मेरा 1 साल बाकी है 80 में, मेरा आज तक कार्ड नहीं दिया है, अप्लाई मेरा चल रहा है पहल का लॉकडाउन से पहले। ब्लॉक में गए थे आप अपना? जी जी जी। क्या बोल रहे हैं वो? बोला कि या आपका पंचायत में चला जाएगा, बार बार दौड़े हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? यही सब लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी से मिले के लिए। तो आप ऑनलाइन आवेदन किए? जी 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 जी। क्या हुआ आप आवेदन? आवेदन पर बोलता है कि अभी नंबर नहीं आएगा। हाँ, 13 तारीख से आवेदन किए हैं, अब टाइम आएगा आवेदन का आपका, तो डीएम साहब आपको खिलाते पिलाते अपने गाड़ी से ले आएंगे।
तो मैं कहा कि भैया मैं चंदा चुंदा मांग के आया हूँ लेके, पैसा मैं पैसा से गरीब आदमी हूँ, मैं दोबारा मुलाकात हमारा मुख्यमंत्री से हो जाए तो हमारा जीवन सवाल हो जाएगा। लेकिन बोलता है लो साहब लोग कि अभी नहीं तुम्हारा नंबर है, मैं चला जाऊँगा। दो दिन हो गया आए हुए, हम हाजीपुर में थे, प्लेटफार्म हाजीपुर में थे, प्लेटफार्म पर सोए थे, दो दिन हो गया खाना खाए हुए हमको, अभी तक कुछ नहीं जी नहीं। क्या आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में फरियादी हैं, इनका उम्र अपना अपने जुबान से बता रहे हैं कि 80 में एक साल कम है और हम आई कार्ड भी है, छपड़ा से आकर के हाजीपुर में रुके हुए थे, अभी तक खाना नहीं खाए, उसके बाद यहाँ जनता दरबार में इनकी सुनवाई नहीं होती है, थाना जाते हैं। और आपका क्या नाम है? हमारा कहना है कि हमें नाम क्या है? नाम लीला देवी। लीला जी आप कहाँ से आई हैं? लखनपुर से, जम्मू जिला। अच्छा, क्या मामला है? मामला तो है हमारा, हम नहीं जाने लिए, हमारा न खेत है न पथार है, और सरकार हमारा खोज के देखो दल के कि रसीद कटाओ तेरा खेत हो, तो हम कहलिए कि दे तो काहे लीलाम करबो, हमारा खेता दे दे। तब हम गलिए 5 रुपया बाँस बेच करके हम रसीद जहिया से कटा रहिए, आज खूनी बेच करके खेता के घर उठवा रहा है, हमारा 5 गो लड़का है। खेत कौन बेच रहा है? बेच रहा है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, हाँ, दूसरा के खड़ी करके आ बेच करके वो जमीन मा के, और एकदम थाना गई थी? हाँ, थाना गलिए, कोर्ट गलिए, DM भी गलिए, कलेक्टर भी गलिए, सगर गलिए। क्या हुआ? वो बोल कि जे वो लिख दिलको तोरे आदमी, तो कहे हमारा आदमी लिख दिल के है तो तोहरा नहीं चिन्हबे, हमारा चिन्हवा देती हल, हमारा आदमी के भेंट करवा दे, तो वो नहीं मान रहा है कि तोरा दमिया लिखल को, कहे हमारा आदमी लिखल के ठीक है, तो हम यहीं से दरबा कि हमारे ससुर 3 भाई है, तो तीनों भाई बा में तो तीनों हमारे कोलवड़ी में कमबे हल, हम अकेले अलिए, तो हम कहिए कि कल के ये कागजात देवल गल यही है, तो हम कहिए कि जे हमें तो खेतों चिन्ह हो ये बाबू, तो कल कहे कि यही यही महू ढुकल तोर तो रसीदवा कटाओ। आप कहाँ से? हम आए हैं देवढ़िया पंचायत से, राजपुर प्रखंड बक्सर जिला से। क्या मामला है? मामला हमारा ये है कि बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड की देवढ़िया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना की राशि की निकासी आधा अधूरा काम करके हड़प जाने के संबंध में। आपको क्या लगता है नल जल योजना सही से काम नहीं हो रहा है? हाँ, नल जल योजना का कार्य अधूरा है, राशि की निकासी कर ली गई है, और हम वार्ड सदस्य इनके द्वारा, हाँ, राशि उप मुखिया सदस्य सचिव के द्वारा राशि की निकासी कर ली गई है। इसमें सलाहकार हैं BDO साहब और तकनीकी सहायक। BDO के मिली भगत से राशि निकाली गई? हाँ, BDO और तकनीकी सहायक के मिली भगत से। इसकी सूचना मैंने BDO को भी दी थी और जिला पदाधिकारी को और पंचायत राज पदाधिकारी को भी इसकी सूचना मैं दे चुका हूँ, और अंततोगत्वा जब सुनवाई कोई नहीं हुई तो मैं अब यहाँ आया हूँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि ये आपकी योजना है, ये समस्या हमारी है, इसकी सुनवाई कीजिए और योजना का कार्य पूर्ण किया जाए। आप देख सकते हैं कि जनता दरबार, मुख्यमंत्री की जनता दरबार आज साल का अंतिम दिन है और कई फरियादी हैं अपने घर से मुख्यमंत्री से मिलने का उम्मीद लेकर के आते हैं, मिलने का उम्मीद लेकर के आते हैं और मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो आप अभी के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रबजी लाइव।